457 वर्ष के बाद अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस उपलक्ष्य में भव्य आयोजन होगा चंडीगढ़ में सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में, जिसका आज 15 जनवरी को 3 बजे कलश यात्रा सेक्टर 23 के मंदिर से निकलती हुई सेक्टर 34 के ग्राउंड में आएगी। उसके बाद भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी की राम जी के ऊपर भजन संध्या होगी, और 16 और 17 जनवरी को हमारे कवि कुमार विश्वास जी उनके अपने अपने राम 3 बजे से लेके 6 बजे तक 16 और 17 जनवरी को होंगे। आप सब लोग से यही निमंत्रण है कि आप सब लोग इस भव्य कार्यक्रम में आइए, और जो 22 जनवरी को कार्यक्रम अयोध्या में राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस उपलक्ष्य में चंडीगढ़ भी राममय हो हमने ये कार्यक्रम आयोजित रखे हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलते रहेंगे। इस कार्यक्रम में आप सब लोग आइए। जय श्री राम। धन्यवाद। शहर जी, राम मंदिर की तैयारियां हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर देखो, 550 साल के बाद और कई लाख लोगों ने बलिदान दिया, शूरवीरों ने, उसके बाद ये अचीवमेंट हुई है। और मोदी जी 22 तारीख को विधि विधान के साथ इसका भारत को समर्पित कर रहे हैं। ये बहुत हर्ष और पूरे हिंदुस्तान में हर्ष के साथ ये त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में कैसा माहौल है? चंडीगढ़ में देखिए, ये आप देख रहे हैं जो जहाँ पे ट्रस्टी जो भी प्रदीप बंसल जी, अनूप गुप्ता जी, ये जो कर रहे हैं, तो ऐसा इवेंट चंडीगढ़ में पहले कभी हुआ तो आप बता सकते हैं? मुझे नहीं लगता भी ऐसा इवेंट पहले चंडीगढ़ में कभी अरेंज हुआ है। जैसा कि मेयर साहब ने आपको बताया है कि पूरे शहर में बहुत अच्छी तैयारी करी जा रही है, पूरे शहर को सजाया गया है, सारे चौक सजाए गए हैं। आज कन्हैया मित्तल जी भजन करेंगे 6 से 9, उसके बाद भंडारा है, करीब 10,000 लोगों का भंडारा 3 दिन चलेगा, आज भी है और 16 और 17 को भी है कुमार विश्वास जी कथा के बाद। शहर में इतना उल्लास है, जैसे ये लग रहा है कि पहली बार दिवाली, जो कहते हैं इतनी भव्य दिवाली पहली बार मनाई जा रही है, जो रामलला वीक हम यहाँ पर 14 तारीख से 22 तारीख तक मना रहे हैं, उसके लिए शहर में जैसे राम भक्त पूरा शहर राममय हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में ही हमें लगा कि इस रामलला वीक में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि शहर में जो पहली बार हो। तो जिस तरह से कुमार विश्वास जी की कथा शहर में पहली बार हो रही है, वो राम कथा सुनाते हैं एक बहुत ही अच्छे मोहक, मतलब उनका सुनकर एक ऐसा लगता है कि बैठ के कि जब एक्चुअल में आप अयोध्या पहुंच गए हो। तो उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे लगा कि जैसे 500 साल के बाद एक ऐसा समय आया है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो 22 तारीख को हर एक भक्त वहाँ पे नहीं जा पाएगा, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर बिल्कुल राम मंदिर का हूबहू प्रतिमा पूरी की पूरी यहाँ पर मंदिर बनाया है। ये शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, चंडीगढ़ से ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा हमारे भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी का कि वो एक चांदी की चरण पादुका 22 तारीख को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, और वो राम जी के चरणों में विराजमान होगी। तो उन्होंने हमें बोला कि मैं वो चरण पादुका यहाँ पर दर्शनों के लिए रखे जाएंगे, तो ये मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि पूरा शहर आभारी है कि उन्होंने ये इतना बड़ा मौका शहरवासियों को दिया।